नमस्कार जम्मू भाई बहन मनला जय जोहार। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, श्रीमती मीना सिंह जी, गृहमंत्री श्री राम सेवक पेपरा जी, श्री टी एस सीजे जी, श्री कमल बाल सिंह मारक जी, श्री एन के कोठारी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय हस्तियां, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और वे सभी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदानी परिवार से जुड़े हैं, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज आप सबके सामने उपस्थित होते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। जैसे आप सब जानते हैं कि अदानी फाउंडेशन करीब 5 साल से सरगुजा विस्तार में प्राथमिक शिक्षा और समाज उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत है। अदानी फाउंडेशन की पूरी टीम उनकी कड़ी मेहनत और जबरदस्त प्रयासों का नतीजा है आज हमारे अपने अदानी विद्या मंदिर की नई इमारत और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री ने हमें इस बात का उन्होंने समय दिया है। मुझे खुशी है कि हमारा अदानी फाउंडेशन नई ऊंचाइयां छू रहा है और आप सभी का सामूहिक प्रयास ही ये वजह है कि हम यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए छत्तीसगढ़ में होना एक सम्मान की बात है। छत्तीसगढ़ वास्तव में अवसर की भूमि है। मैं राज्य के मंत्रियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और निवासियों इसे इन विकास कार्यों के लिए मिले समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित नेताओं में से एक है नेल्सन मंडेला। स्वर्गीय श्री नेल्सन मंडेला ने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा का उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यदि हम अपना राष्ट्र का भविष्य बदलना चाहते हैं तो शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम है। भारत की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में हम बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा एवं सुविधाएं देने का महत्व समझते हैं। बच्चे चाहे किसी भी सामाजिक वर्ग से हो, आर्थिक वर्ग से हो, सही शिक्षा का लाभ उपलब्ध होने से जीवन में सफलता प्राप्त करके राष्ट्र निर्माण के कार्य में वो हाथ बटा सकते हैं। अदानी विद्या मंदिर 2013 से सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहा है। आज 4.5 एकड़ से ज्यादा जगह में फैली हुई नई अति आधुनिक इमारत में ये क्षेत्र की मशाल बनते रहे। वर्तमान में विद्यालय जो पुरानी इमारत में 7वीं कक्षा तक चल रहे थे वही CBSE पाठ्यक्रम उपलब्ध जारी रखेगा और भविष्य में 1000 से ज्यादा बच्चों को 10वीं कक्षा तक CBSE पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर शिक्षा दी जाएगी। बेहतरीन आधारभूत संरचनाएं, अदानी विद्या मंदिर में डिजिटल कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला, कला और शिल्प की सुविधाएं, खेल क्षेत्र एवं ऑडियो विजुअल रूम जैसे अन्य अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अदानी विद्या मंदिर में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अध्ययन सामग्री, गणवेश, बस सुविधा और भोजन प्रदान किया जाए। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 561 विद्यार्थियों में से 243 लड़कियां हैं। मैं बेहद खुश हूँ
कि हमारी विद्या आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में इस स्कूल में वो दाखिला ले, उनके माता पिता को भी मैं अभिनंदन करूंगी कि वो लड़कियों की शिक्षा की तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि लड़की की शिक्षा वो समाज में खामोश क्रांति ला सकती है। शिक्षित लड़कियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों का बोझ साझा कर सकती है। वे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, प्रशासक, राजनेता, वैज्ञानिक कोई भी रूप में समाज में अपना योगदान दे सकती है। हमारे युवा भाई बहनों के लिए हमने आज कौशल विकास केंद्र भी बनाया है, जो एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ हर साल करीब 1000 लड़के लड़कियाँ को अलग अलग धारा में आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण मिलेगा और जो उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण के बाद भारत भर के विभिन्न उद्योगों में रोजगार हेतु एनपी से सहायता प्राप्त की है। इस संस्थान में विभिन्न क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रिकल फिटर, वेल्डर, सिम्युलेटर के साथ खनन कौशल, हॉस्पिटैलिटी, सिलाई आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सभी वर्गों के लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला की सुविधा भी उपलब्ध है। तकनीकी कौशल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता स्किल, इंटरव्यू स्किल वगैरह भी यहाँ सिखाए जाएंगे। यह हमारा विश्वास है कि अदानी विद्या मंदिर और कौशल विकास केंद्र भविष्य की प्रतिभाओं को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। अदानी समूह हमेशा आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अग्रसर है। सब जन लाभ, बधाई और शुभकामना। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।